हैं आशीष लाल यादव जी, इनके साथ काम हुआ, उनके साथ आपका काम? हाँ हुआ है, हुआ है। उनके साथ भी हुआ है सॉन्ग, एक पीयर फराक वाली गाना ट्रेंड किया है, देख सकते हैं। अच्छा, आप ही ये किया उसमें? हाँ मैं ही किया। कैसा लगता है उनका व्यवहार, कैसा है थोड़ा सा बताइएगा? अच्छा है व्यवहार सबका, सब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, जो भी सिंगर है सब अच्छे होते हैं। अभी बात मुस्कान केटी और दीपक जी के बीच में बीच हुआ में है। क्या कुछ कहिएगा उसके बारे में? मैंने कोई ऐसा न्यूज ही नहीं देखा है कि क्या है मुस्कान जी का केटी का और दीपक जी का क्या विवाद है। मैंने देखा सारे सिंगर अच्छे हैं, कोई फेवरेट नहीं, सारे सिंगर बहुत अच्छे और बहुत अच्छा गाते हैं। फेवरेट आप लोग बना देते हैं कि देखिए मेहनत सब लोग करते हैं, जितना आप लोग पसंद करेंगे जिस सिंगर को वो आपके लिए फेवरेट हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे गाने हम सुनते हैं गाने अच्छे होते तो वो फेवरेट हो जाते हैं, वैसी तरह सिंगर है जैसे जिनके गाने अच्छे होंगे सबको आपके फेवरेट हो जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मगही को नहीं जानते, आज मगही को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या वेलकम टू नेक्स्ट, मैं नीतीश इस वक्त आपको पटना लेके आए हैं। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं भोजपुरी में काम करती रहती है और भोजपुरी में अभी इनका शूट चल रहा था और काफ़ी अच्छे एक्टिंग भी कर रही थी, क्या मकसद से आई, क्या मजबूरी से आई, वो सारा जानकारी आपको देंगे। और क्या लाइफ होता है मॉडलिंग क्षेत्र का, वो सारा जानकारी देंगे। सबसे पहले श्वेता जी आपका स्वागत। आपको भी स्वागत है जो आप लोग टाइम निकल के, जितने भी न्यूज़ दर्शक लोग देख रहे हैं उसको धन्यवाद। कैसे? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? कितने गाने का शूट हो गया आज? दो गाने का शूट है अभी, हो गया एक गाना शूट हो गया है। अभी तो होली का स्पेशल सॉन्ग शूट हो रहा होगा? हाँ नहीं, आज लोग गीत शूट है, होली का नहीं। अभी होली नहीं हो रहा? हो गया, अभी प्रमोद जी का हुआ था होली, बहुत लोगों का हुआ अभी, लेकिन आज लोग गीत शूट है जी। तो आप भोजपुरी में काम करती है तो मगही में भी काम किए हैं कभी? हाँ बहुत की हूँ, आप एक बार सर्च करके देखिए पता चल ही जाएगा आप लोग को। जी नहीं, भोजपुरी में काम की है, हमारे मगही के ट्रेंडिंग स्टार हैं आशीष लाल यादव जी, इनके साथ काम हुआ, उनके साथ आपका काम? हाँ हुआ है, हुआ है। उनके साथ भी हुआ है सॉन्ग, एक पीयर फराक वाली गाना ट्रेंड किया है, देख सकते हैं। अच्छा, आप ही ये किया उसमें? हाँ मैं ही किया। कैसा लगता है उनका व्यवहार, कैसा है थोड़ा सा बताइएगा? अच्छा है व्यवहार सबका, सब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, जो भी सिंगर है सब अच्छे होते हैं। अभी जो मगही इंडस्ट्री में एक विवाद छिड़ा है मॉडल के बीच में ही, तो आप तो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और पुराने मॉडल है, तो वो विवाद के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि विवाद मुस्कान केटी और दीपक जी के बीच में क्या कुछ कहिएगा उसके बारे में? मैंने कोई ऐसा न्यूज़ ही नहीं देखा है कि क्या है मुस्कान जी का केटी का और दीपक जी का क्या विवाद है, मैंने देखा ही नहीं है। चलिए, अच्छा इस फील्ड में आने का मकसद क्या था, क्या गरीबी था या फिर आपका शौक था? मैं तो पहले बता दूं अपने बारे में, मेरी ऑलरेडी 6 फिल्में हैं जिसमें मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, मेरा साथी मेरा प्यार कल ही रिलीज़ हुई है बिहार झारखंड में। मेरा ऑलरेडी 30 सीरीज का गाना पटना से पाजेब, याद बड़ी मजनुआ के आवे, नचे हुई नचनिया के हुई कन्या के, टुनटुन यादव का, ये सारे बहुत सारे सॉन्ग्स है। मेरी 2 फिल्में रिलीज़ है, भोजपुरी और हिंदी, आप लोग मेरा सर्च करेंगे आप लोग को दिख जाएगा, हॉल में रिलीज़ है। अच्छा, किन के साथ तो फिल्म आया है? हिंदी फिल्में हैं, बहुत सारे स्टार लोग हैं बाहर मार्केट के, और हीरो नए हैं, और भोजपुरी में कल्लू जी खिसारी जी इन सब के साथ मैंने काम किया है जी। मैं एल्बम बहुत काम करती हूँ, ऐसे एल्बम करती हूँ जो अच्छे होते हैं, और बाकी ऑलरेडी मेरी मूवीज़ वगैरह आते रहते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर अगर बात करें भोजपुरी या मगही में कौन? सारे सिंगर अच्छे हैं, कोई फेवरेट नहीं, सारे सिंगर बहुत अच्छे और बहुत अच्छा गाते हैं। फेवरेट आप लोग बना देते हैं कि देखिए मेहनत सब लोग करते हैं, जितना आप लोग पसंद करेंगे जिस सिंगर को वो आपके लिए फेवरेट हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे गाने हम सुनते हैं गाने अच्छे होते तो वो फेवरेट हो जाते हैं, वैसी तरह सिंगर है जैसे जिनके गाने अच्छे होंगे सबको आपके फेवरेट हो जाएंगे। तो हमारे मगही के आशीष लाल यादव है, उनका आप कोई गाना सुनी है, सुनती है, कौन सा गाना? जब मैंने बताया तो उनके साथ मैंने काम किया है, तो नहीं नहीं उनका कोई गाना आपको पसंद हो पर्सनली? दो लाइन हो सकता है क्या? मुझे नहीं आता है, मेरे गाने ही नहीं आता है। तो कोई गाना तो पसंद तो होगा आपको पर्सनली उनका? हाँ उनके गाने सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है सारे गाने अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा, रील काफी सारे लड़कियां बनाते ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, और क्या लगता है कि हमारे मगही और ऊपर जा रहा है? अच्छा है ना, और अच्छी बात है, मगही और भोजपुरी सारे आगे जाएं, सब आर्टिस्ट कहीं ना कहीं। अभी हमारे बिहार में बस एक भोजपुरी थी, भोजपुरी इंडस्ट्री, उसी के हम लोग भी जानते थे, और अभी एक नई नई इंडस्ट्री ऊपर उठ के आ रही है मगही इंडस्ट्री। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा लोग मगही को नहीं जानते, आज मगही को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए जी। और आप जैसे अभी बताई है कि आप हिंदी फिल्मों में काम की भोजपुरी, तो क्या आपको लगता है कि मगही का भी कोई फिल्म आएगा या बिल्कुल काम बिल्कुल करने का मौका? क्यों क्यों बिल्कुल आएगा, तो ऑफकोर्स करेंगे, मौका मिलेगा उस पर, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल।
अच्छा क्या मकसद था जो इस फील्ड में आप आ गए? और सारे लड़कियां पढ़ाई करती है, एसडीएम डीएम सब कुछ बनती है, लेकिन आप यहाँ मॉडलिंग क्षेत्र में क्या? एक शौक था शौक था कि अच्छा लगता है, ऐसा वो था जब स्टार्टिंग में था कि हमें टीवी पे देखना है अपने आप को, ऐसा लगता है ना जी, जी। फिर अब जिस चीज़ में हम करने लगते हैं तो थोड़ा तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शौक था। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग आरा से करती हूँ, रहती हूँ दिल्ली में। दिल्ली में रहती हूँ, हाँ जी। चलिए पूछिए रोहित जी। अच्छा क्या, अच्छा ये बताइएगा, बहुत सारा लड़कियां जो आती इस फील्ड में, क्या आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्या कुछ कहिएगा? बहुत सारी न्यू लड़कियां आती है तो किसी का सिंगर के लालच में फंस जाती है, तो कोई कुछ के लालच में फंस जाती है और गड़बड़ा भी जाती है, क्या कुछ कहिएगा? काफ़ी पुराना। पहले बात मैं उनको बोलूँगी, अगर आप आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप काम भी कीजिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप किसी के बारे में फंस रही हैं, फिर उनको वायरल करती है, फिर उनके बारे में आप बोलती है, तो पहले आप ये करने से पहले उनके बारे में सोचिए, खुद के बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी सोचिए। अच्छा पढ़ाई लिखाई कितना तक किया? मेरा 12th कंप्लीट है जी। अच्छा कितना कमा उमा लेते हैं अभी आप लोग कितना कमाते हैं चैनल से, ये बोलिए। अरे हो जाता जितना परिवार, जैसे वही मेरा भी हो जाता जितना परिवार है। तो अभी बहुत सारे आप काफी ज्यादा अनुभवी लग रही है, तब कितने दिनों से इस फील्ड में? मेरे को 2.5 साल हो गया। 2.5 साल जी। इधर बात करें सब सिंगर के साथ आपका काम हो गया? हाँ जी, सारे सिंगर मेरे गाने ट्रेन, आप मेरे बारे में आप लोग नहीं जानते, एक बार सर्च कीजिएगा श्वेता शर्मा, पता चल जाएगा। नहीं, हम लोग ज्यादातर मगही को कवरेज करते हैं, इसीलिए आप मगही के बारे में सपोर्ट भी कर रहे हैं इसलिए। हाँ, मैंने आशीष लाल यादव जी, गाँव का, हम लोग का गाँव का जी, तो उनके साथ भी काम किया, पियर फराक वाली, ठीक है, गाना सर्च कीजिए। उनका कोई नया गाना उनके साथ अभी तक तो नहीं आया, अब आशीष जी को बोलेंगे कि काम करेंगे। अभी रोशन रोही के साथ गाना आया था वेव कंपनी से जी। हाँ, बहुत सारा गाना, तो कहीं ना कहीं आशीष भैया का गाना वेव म्यूजिक से जब भी आता है तो ट्रेंड करता है, उनके तो हर गाने ट्रेंड, जी हर गाना ट्रेंड करता है। वो पियर जो मैंने भी किया था, पियर फराक, वो भी गाना ट्रेंड, 20 मिलियन है शायद। 20 मिलियन, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। तो आशीष भैया का आपको क्या फ्यूचर लगता है भविष्य में? आगे बहुत लाइन में, जैसे अभी तो सिंगिंग लाइन में देख रहे हैं कि पूरा बवाल है, धोती फाड़ के। हाँ, फिल्मों में आपको क्या लगता है? आप काफी अनुभवी लग रहे हैं इसमें, तो फिल्मों में अच्छी बात है, आशीष लाल यादव जी फिल्म करेंगे। फ्यूचर उनका आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है, वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, मेहनत करे तो आगे। तो आप इंडस्ट्री में हैं, आपको तो ये भी पता होगा कि भैया का कब तक फिल्म आ सकता है? ये तो बड़े बड़ी कंपनियां बताएंगी और बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग बताएंगे कि आशीष लाल यादव जी के कब फिल्म को लेके कब वो काम करेंगे, तो आशीष लाल यादव मैं नहीं बता सकता। मैम कभी सिंगर में प्लान रखे हैं क्या, जिस तरह की सोनम यादव पहले मॉडल थी, अब सिंगर बन गई है और काफ़ी मतलब चर्चित हो गई है, क्या आप भी सोचें कि कभी हम सिंगिंग करें? अभी तक तो नहीं सोचा ऐसा कुछ भी, बट ऐसा पता नहीं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, चेंजिंग करना चाहिए अपने आप को। अच्छा एक एक क्वेश्चन, कड़वा क्वेश्चन शायद आपके परिवार के, ये क्वेश्चन है आपके, मतलब कि होने वाला किस तरह होना चाहिए? होने वाला कौन? होने वाला होने हो चुका है या होने वाला है? अच्छा होने वाला, पहले तो भाई अच्छा होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए, और क्या लॉयल जो भी बोलो मेरे से पूछ के करें, ऐसे नहीं मतलब अभी तक आप खाली हैं, कोई भी लाइन मर सकते? हाँ हाँ ऑफकोर्स, कोई हर कोई ट्राई कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे इंटरव्यू करके, और आखिरी में जाते जाते क्या कुछ कहिएगा तमाम जो मगही और भोजपुरी देखने वाले दर्शक? जितने लोग मुझे प्यार देते हैं इस चैनल को भी दीजिए, और जितने भी सिंगर लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबको सपोर्ट कीजिए। लास्ट में कोई गाना जो आप हो जाए, दो लाइन नहीं आता, मैं सिंगर नहीं हूँ, अब आशीष जी को बोलती हूँ गाना सारे एक्टिंग करते हैं, एक ही गाना मेरा गाना हिट हुआ था, पापा जी की खोजल बलमुआ याद बड़ी मजनुआ क्या है, ये 22 मिलियन है इसका। अच्छा अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता तो इस चैनल को कांटेक्ट कीजिए, इनसे मेरा नंबर मांगेगा इन लोगों से, ठीक है? हमारे पास नंबर रहेगा तब। नहीं नहीं है, झूठ बोले, इन लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा, इनको मैसेज कीजिएगा, ठीक है? अच्छा जाते जाते हम एक चीज सबको प्रमोशन कर देते हैं, अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए। श्वेता शर्मा 97738 मेरा इंस्टा आईडी है, फेसबुक है श्वेता शर्मा। कब सब लोग को मिठाई खिला रहे हैं, शादी उदी कब कर रहे हैं? शादी में हम लोगों को बुलाइए, ऑफकोर्स पहले आप लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि आप ही लोग तो खबर पहुंचाते हैं, इधर से उधर मुंह से निकाल देते पता नहीं क्या क्या। चलिए अभी सुख लग रहा है। कब तक का प्लानिंग है आपका शादी? अभी ऐसा कोई मिला ही नहीं ना, मिलेगा तभी तो शादी करेंगे, जब मिल गया तो इस लगन में भी पट लीजिए। हाँ पक्का पक्का, आप ही लोग को बुलाएंगे पहले। इतना एज है तो कहीं ना कहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, घर में भी आशा लगा होगा कि बेटी जवान हो गई है, कम से कम दामाद चाहिए पापा जी को और भाई को, जीजा चाहिए, सब लोग उम्मीद होगा।
तो कब पूर्ति करिए? अभी पापा से पूछती हूँ फिर बताऊंगी, अभी मुझे तो नहीं पता ना। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे बहुत बढ़िया, थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद, और हमारे साथ जो जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे, लव यू ऑल द बेस्ट। चलिए।